पर कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए तुझे तकलीफ होगी परेशानी होगी दर्द होगा लेकिन मुर्शिद से जुड़ा रहेगा और जिनके ये रिश्ता नहीं होता मुर्शिद वाला वो थोड़ी सी तकलीफ आती है तो भाग जाते हैं क्योंकि अंदर कुछ जुड़ा हुआ नहीं है मुर्शिद से मुस्तकम रहने के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज है इस दर्जे को कहते हैं फनाफी शेख तालीम तो अपनी जगह है लेकिन तरीक़त की तालीम से बढ़ कर तरीक़त की सकाफत है तरीक़त में जो मरकज़ और महवर जो नुक़ँ है वो मुर्शद से ताल्लुक़ है किस कस्म का ताल्लुक मुशद से है कैसा ताल्लुक मुर्शद से है अगर मुर्शद से ताल्लुक़ ऐसा है कि बस मुर्शिद ही मुशिद है और कुछ नजर नहीं आता आपको तो फिर तरीक़त की मंजिल तो एक लम्हे में तय हो गई मुर्शद से ताल्लुक मुर्शद से नस्बत मुर्शद से मोहब्बत ये नहीं कह सकते कि आप मुर्शद से मोहब्बत करें क्योंकि कोई मुर्शद से मोहब्बत कर नहीं सकता टेक्निकली मुर्शद अपनी मोहब्बत अता कर दे तो फिर आपको मुर्शिद से मोहब्बत हो जाएगी बगैर तजकिया नफ्स मुर्शिद की मोहब्बत हासिल नहीं होती जब तक नफ्स पाक नहीं होगा उस वक़्त तक मुर्शिद की मोहब्बत अता नहीं होगी उसकी वजह क्या उसकी वजह यह है कि मुर्शिद की मोहब्बत का ताल्लुक मुर्शिद के सीने की मखलूक से है वो ज़बानी कलामी मोहब्बत नहीं होती तो फिर वो मुर्शिद की मोहब्बत कैसी होती अब ये इंसान के दिल में अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया अब ये मैं डायग्राम के जरिए आपको तरीक़त से सिखा रहा हूँ अल्लाह से ताल्लुक कैसे जुड़ता है अब दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई ना तो अब ये दिल में जो अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई है इससे जो नूर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जाके अल्लाह से जुड़ गया इसको कहते हैं सिरात मुस्तकीम ये जो अल्लाह से जुड़ गई है तार ये बंदे को अल्लाह से जोड़ के रखेगी तू इधर उधर भटकने की कोशिश करेगा भी तो तू भाग नहीं पाएगा ये तार जोड़ करके रखेगी इसी तरह मुर्शद की मोहब्बत क्या होती है ये तेरा कल्ब है और ये तेरे बाकी लतफ़ हैं ये तेरा नफ्स है सबसे मुर्शद पहले इसको पाक करेगा नफ्स को नफ्स को पाक करके मुर्शिद अपने सीने की कोई मखलूक तेरे सीने में यहां रख देगा और मुर्शिद की जो मखलूक आएगी वो तेरे सीने के पांचों लतफ को अपने कब्जे में कर ले वो जो मुर्शिद का जुस्सा तेरे सीने में होगा वो तुझे मुर्शिद से जोड़ के रखेगा तेरा रुख उधर ही रहेगा दुनिया कितनी भी तुझे खेचे तुझ पर कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए तुझे तकलीफ होगी परेशानी होगी दर्द होगा लेकिन मुर्शिद से जुड़ा रहेगा और जिनके ये रिश्ता नहीं होता मुर्शिद वाला वो थोड़ी सी तकलीफ आती है तो भाग जाते हैं क्योंकि अंदर कुछ जुड़ा हुआ नहीं है मुर्शिद से मुस्तकम रहने के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज है इस दर्जे को कहते हैं फनाफी शेख जितना मुर्शिद के बारे में सोचेगा तू उतना नूर बनेगा जितना मुर्शिद के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होंगे उतना मुनवर होगा तू हाँ। तो रंगे तरीकत में तरीकत की जो रूह है वो है मुर्शिद से रिश्ते उल्फत उस्तवार करना मुर्शिद जो है तेरे नफ्स को पाक करके और अपने सीने की कोई मखलूक तेरे सीने में रख दे वो जो मखलूक मुर्शिद की होगी वो तुझे मुर्शिद से जोड़ के रखेगी अब जब ऐसा आदमी तुम्हारे पास आ गया उसके पास जब बैठो तो क्या करो अपने दिल में जो तुम्हें सरकार से कहना है वो बात अपने दिल में रख के उसके पास बैठ जाओ फनाफी शेख के पास वो तुम्हारे दिल की बात उसके जरिए बड़ी चुप कर से खामोशी से मुर्शिद तक पहुंच जाएगी क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है तुम्हारे दिल से जो भी ख्वाहिशात होंगी जायज़ फनाफी शेख का दिल जो है वो खींच लेगा उसके दिल में ये ताकत होती है वो खींच लेगा खेच के मुर्श तक पहुंचा देगा तो सबसे अहम तरीन नुक़् जो तरीकत का है वो है मुर्शिद से ताल्लुक इससे बढ़कर तरीक़त में कोई अहम नहीं है तरीक़त में इम्तहानत भी होते हैं लेकिन वो इम्तहानत मोहब्बत के होते हैं शरीयत के नहीं होते मोहब्बत के इम्तहान होते हैं उस इम्तहान में यह देखा जाता है कि ये बंदा मुर्शिद से प्यार करता है या किसी और से ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी इम्तहान के दौरान कि या तो मुर्शिद को रखो या फिर बाकी लोगों को रखो अगर आप कहते हैं कि जी मैं तो मुर्शिद के साथ ही हूं तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे आपसे ताल्लुक कर लेंगे और अगर उनकी बात रखी तो मुर्शिद हाथों से गया ये इम्तहाना तरीक़त में होते हैं कभी मोहब्बत के इम्तहान होते हैं कभी तरीक़त में यकीन के इम्तहान होते हैं फर्ज किया मुर्शि ने कहा ऐसे ही आराम से कहा बड़े ही इंतहाई गैर कोई खसूसी अंदाज में नहीं कहा ऐसे ही कह दिया सरसरी तौर पर कि यार किसी से पैसा नहीं लेना कह दिया दूसरे दिन जो है वो पैसे की इतनी शदीद जरूरत पड़ी कि ना लो पैसा नुकसान हो जाए भूखे मरो और ले लो पैसा तो मुर्शद तो इसमें इम्तहान यकीन का होता है कि मैंने मना किया था इसको कि पैसे नहीं लेना किसी से तो अब इसको मुझ पर यकीन है या नहीं तो ये देखने के लिए उस पर इम्तहान होता है मुसीबत आती है अगर उसका यकीन सा, सालिम हो मज़बूत हो मुर्शद पर कि उन्होंने मना किया है अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं लूंगा पैसे तो जब यह पक्का ईमान हो जाता है कि बस कुछ भी हो जाए मैंने मुर्शिद की फर्माबरदारी करनी है किसी से पैसे नहीं मांगने तो मुर्शिद खुद ही पैसों का बंदोबस्त करके रख देता है और अगर आदमी यह सोचे कि अगर नहीं हुआ बंदोबस्त पैसों का यह मिसाल है तो फिर इतना नुकसान हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसमें यकीन का इम्तहान होता है मोहब्बत का इम्तहान होता है फिर एक लम्हा आता है ऐसा कि शरीयत का इम्तहान होता है शरीयत के मुताबिक नहीं तरीकत के मुताबिक तरीकत के मुताबिक शरीयत का इम्तहान क्या है कि ये शरीयत को मानता है या मुर्शद को मानता है शरीयत को माने तो मुर्शद को गलत समझना पड़ेगा मुर्शद को माने तो शरीय हाथ से जाती है इस मकाम पे बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं ये वो फिर मकाम है जहां पर मुर्शिद की मोहब्बत काम आती है अगर हो तो ना हो तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है इसमें कामयाबी कैसे होती है मेरे कल्ब को मुर्शिद ने बेदार किया अल्लाह अल्लाह में लगाया उनकी अल्लाह तक पहुंच है तो मुझे उनसे हिदायत मिली है लिहाजा उनका जो भी फेल होगा वह हक होगा ये ईमान का हिस्सा बन जाए फिर उसके बाद इम्तहान के तौर पर मुर्शिद अगर कोई ऐसा मंजर दिखाए कि जिसमें शरीयत की बरखिलाफ बात हो तो फिर मुरीद के दिल में ख्याल आए जिनसे मुझे हिदायत मिली है उनका हर अमल सही है फिर कामयाब हो जाता है आपने मेरी गज़ल पढ़ी है ना ऐसी शरीयत से क्या फैज़ होगा जिसमें महके ना खुशबुए गौहर वो तरीक़त तरीक़त नहीं है जिसमें शामिल नहीं रंग गौहर शरीत के भी इम्तहानत होते हैं कि यह शरीत की तरफ जाता है या हमारी तरफ जाता है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे शरीत के बरखिलाफ कोई काम हो रहा है लेकिन होता नहीं है अगर उसका ये ईमान हो जाए कि जो भी मुर्शद का फैल फेल है हक़ है तो दूसरे ही है, वो जो उसको गैर शरी बात नज़र आ रही थी फिर वो शरीत का उद्दा उस पे हल हो जाता है कि ये तो न शरीयत थी तो इस तरह के इम्तहान जो है होते हैं मुर्शद की बातें वो बातों से आजमाता है तरीक़त की बात हो रही है फ़र्ज़ किया कि जैसे बाबा कोई खाना बना के लाया फिर बाजी ने खाना बना के बाबा को दिया जाओ भाई सैयदी को जाके दे दो अब जनाब सैयदी ने बाबा को कहा कि ये खाना कहां से लाया बाबा कहता है फिर दोस्त ने बनाया सैयदी कह रहे हैं नहीं उन्होंने नहीं बनाया अब बाबा सोचेगा मेरे सामने बनाया है उसने तो ये सैयदी कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने बनाया ही नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे कि यार मेरे सामने जब बनाया है तो ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बनाया लेकिन अगर फिर वो ये सोचें कि नहीं जो ये कह रहे हैं वो सही है शायद मुझे जो है ना वो गलती हुई है जब ये ख्याल आ गया तो इम्तहान में पास हो गए फिर ये ख्याल भेजे, भेजेंगे भेजेंगे कि दरअसल वो खाना जो बनाया था वो उन्होंने नहीं बनाया उनके दिल में जो मोहब्बत है उसने बनाया था <laughs> उन्होंने नहीं बनाया <laughs> वो वो क्यों बनाएंगी भाई वो जो दिल में मोहब्बत होगी वो हो बनाएगी ना तरीकत में इस तरह की चीजें होती हैं जो आदमी आम आदमी को समझ में आती नहीं और इसका इसकी कुंजी क्या है कामयाबी की आंखें और कान बंद कर ले मुर्शिद के आगे जो वो कह रहा है मुर्शिद वो करे जो वो कह रहा है वही हक है वही सच है ये जो रूहानी लोग होते हैं ये किसी और ही दुनिया के होते हैं इनके आफाल को आमाल को बातों को समझ नहीं सकते ये बात कुछ और करेंगे आप समझेंगे कुछ और अगर उन्होंने कहा कि यार कोई पूछता भी नहीं है कोई आता भी नहीं है तो आप यही समझेंगे कि यार शिकवा कर रहे हैं ना आने का पता नहीं किससे बातें कर रहा है वो तुम्हारे कल्ब से कर रहा है तुम्हारे जिसम से कर रहा है तुम्हारे नफ से किस से कर रहा है बातें ऐसा मामला हो तो पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है कि मुझे क्या करना चाहिए तो तरीक़त के इम्तहान जो है वो बड़े पेचीदा और मुश्किल हैं लेकिन उनका राज एक ही है कामयाबी का रास्ता एक ही है क्या जो मुर्शिद कहे वो हक है जो मुर्शिद करे वो हक है तो मुर्शिद के सामने बोलना नहीं है यानी जवाब नहीं देना है अगर वो पूछे कि क्या कमरे में उजाला है या अंधेरा है तो आप समझे तो हैं नहीं कि कहां की बात हो रही है तो फिर जब आप समझे नहीं है तो आप यही कहेंगे कि इस कमरे की बात हो रही है तो इस कमरे में तो उजाला है आप कहेंगे उजाला है तो गए या आप कह दें अंधेरा है फिर भी गए तो अदब क्या है हक क्या है आप जानते नहीं है कि कौन से उजाले की बात हो रही है कौन से अंधेरे की बात हो रही है आपने कहना है कि सरकार आप बेहतर जानते हैं सिहाबा कराम को भी यही बात हुजूर ने सिखाई थी कि जब तुमसे कोई सवाल पूछा जाए तो कहा करो व रसूल कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं ये तरीकत के आदाब हैं ये मुर्शद की सोहबत के आदाब हैं ये वो चीजें हैं अगर ये चीजें आपकी कमजोर हैं तो जकूरीत बेकार हो जाती है। ये सातों लतीफे एक तरफ इनका जिक्र से आबाद होना भी एक तरफ मुर्शद से अगर ताल्लुक ऐसा नहीं बना हुआ कि जिसमें मुर्शद दिन के वक्त उजाले के वक्त ये कहे कि ये रात है तो आप बजाय बहस करने के ये कह दें कि हुजूर आपने दुरुस्त फरमाया जो जबानी करामी हद तक आप जो है कह भी दें तो उसका फायदा नहीं है यकीन ऐसा हो कि आदमी और मैंने देखा है लोग शैतान लोगों के जहनों को पकड़ लेता है या शहवत का गलबा होता है लोगों पर तो उस आलम में जैसे बीवी है और माँ है तो वो माँ के हक को झुटला के बीवी का साथ दे देता है और नजर भी आता है कि बीवी जो है वो हक पर नहीं है फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है हाँ तुम सही कह रही हो उन्होंने ये जुल्म किया है उन्होंने वो जुल्म किया कुछ नहीं देखा जो बीवी ने कहा वो मान लिया होते हैं ऐसी बहुत सी बीवी ऐसे बहुत से लोग होते या आप किसी के बारे में बदगुमान हैं कोई झूठी कहानी आपको सुना दे आप उसकी हर बात मान लेते हैं बहुत से लोग मोहब्बत में आपको धोखा देते रहते हैं लेकिन आपका दिल कहता है नहीं ये सही है तो इन सारे कामों में आप आंख से देखने के बावजूद भी किसी की बातों में आ जाते हैं उसकी बात मान लेते हैं जो आंखों से देखा है उसको झुटला देते है। हैं झुटलाते हैं कि नहीं तो यही चीज मुर्शिद के लिए क्यों नहीं है चीज कब पैदा होती है जब मुर्शिद की मोहब्बत का रंग बंदे पर चढ़ जाता है फिर जो मुर्शिद कहता है वो हक होता है यही यकीन की कुंजी है मुर्शिद मुर्शिद लिखे आदमी तकदीर पे और फिर रबड़ लेके सब कुछ मिटा दे सिर्फ मुर्शिद लिखा रह जाए कि बस जो सरकार ने कहा है वही हक है बाकी कुछ नहीं है बहुत अरसे से लोग तरीक़त की बातें सुनते आ रहे हैं तरीक़त की निसाब सुनते आ रहे हैं यह बहुत बड़ी ज्यादी होगी कि आपको जकूरीत का तो पता हो कुशियत खशियत का तो पता हो लेकिन आपको रंगे तरीक़त का पता ना हो क्योंकि रंग तरीकत के बगैर जकूरियत भी बेकार है कुछ नहीं मिलता सिर्फ ज़कूरियत से नूर बनेगा मुर्शिद की एक बात पर शक किया वो नूर जाया हो गया तो वो चीज भी हासिल करना जरूरी होती है ना कि जिससे मुर्शिद और बंदे के बीच में जो रिश्ता है वो इतना इतना मुस्तहकम इतना मजबूत हो जाए कि शैतान अपना पूरा जोर लगा ले लेकिन बंदे को टस से मस ना कर सके ये यकीन मुर्शिद की जात पर क्योंकि इम्तहान जिक्र फिक्र का नहीं होता है शरीयत का नहीं होता है यकीन का होता है ईमान का होता है